यहाँ पे हम बनाएंगे ब्लैक चना और सोयाबीन की छोला। तो यहाँ पे है ऑनियन चार, और ये है ब्लैक चना, और ये मैंने सोयाबीन लिया, ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं यूज करना चाहते तो ना करें। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर रखा है, जो सोयाबीन को उसमें डालूँगी, ज़्यादा हार्ड होते हैं ना तो इसे डालने से नॉर्मल सॉफ्ट हो जाते हैं, और ब्लैक चना में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसकी सब्जी। और देखिए यहाँ पे ऑनियन टमाटर ग्रीन चीज़ से मैंने सारा कट कर लिया है, और ये सोयाबीन जो मैंने पानी से निकाल के और उसका पानी जो है उसे निचोड़ के निकाल लूँगी, ताकि ये अच्छे तरह से तेल में तल जाए। निकाल के मैंने साइड में यहाँ पे तेल डाला है, अब देखिए उसमें मैं डाल रही हूँ तलने के लिए। देखिए यहाँ पे तेल में डाल के मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी। देखिए यहाँ पे तल के मेरा सोयाबीन रेडी हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर का, और ये जब ये उसमें डाला जाएगा ना तो एकदम बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, कुकर में मैंने तेल डाला है, ये सरसों का तेल है, आप जो भी तेल यूज करते हैं वो डालें। यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, और कुछ खड़े मसाले यूज करेंगे, जैसे दालचीनी और दो से तीन काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और जीरा। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 रेड चिली और 2 से 3 ग्रीन चिली, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 मैंने लहसुन की कली ली है, और अच्छे से उसे मिक्स करेंगे और हल्के से उसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। और मैंने साइड में लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, जो मैं अभी ऐड करूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे हल्का सा भून लिया है मैंने, और मैं उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और हल्का सा उसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज उस 2 से 3 मिनट तक इसे भूनकर मैं टमाटर ऐड करूँगी। देखिए मैंने टमाटर ही डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डालकर मैं सीटी लगा दूँगी। 1 सीटी आने तक प्याज और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और गल जाएंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, और यहाँ पे देखिए मैं प्याज और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। मैंने दो लहसुन की कलियाँ डाली हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर, कुछ कूटी हुई खड़ी मसाले, खड़ी मसाला ऑप्शनल है, मैं यूज करती हूँ, इससे स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला यूज किया है, और यहाँ पे 1 स्पून मैंने डाला है टर्मरिक हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने पहले डाला हुआ था तो थोड़ा सा डाला है, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और प्याज बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब मैं डालूँगी ब्लैक चना। ब्लैक चना को ऐड कर दूँगी और मैंने जो सोयाबीन ब्राउन किया था उसको भी डाल दूँगी और डालकर दोनों को मिक्स कर दूँगी। कुछ देर के लिए मैं अच्छे से इन्हें पकाऊँगी, भूनूँगी कुछ देर के लिए, 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, मैंने छोटे गिलास से पानी डाला है, 2.5 गिलास पानी है। छोटी वाली गिलास से और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा रेडी हो गया है और मैं इसे ढक के कुछ देर तक पकाऊंगी। आप क्या, आप सबको पसंद है ये ब्लैक चना का छोला? देखिए मेरा रेडी हो चुका है और मैं इसमें धनिया डालूँगी, हरा धनिया। और अब मैं ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तो मैं इसे एक प्लेट में निकालूँगी। देखिए कितना कलरफुल हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं निकालूँगी इसे, देखिए कितनी अच्छी कलर आई हुई है। अब हरा धनिया से गार्निश करेंगे। अब बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब